हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम स्टडी पे। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ एनवीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग। देखिए, एनवीएस के एग्जाम को बहुत दिन हो गए हैं, एलडीसी का हुआ था, हमारे सारा टीजीटी पीजीटी वेरियस पोस्ट का भी आप सोचिए कि 2 अक्टूबर को हो चुका था और एटलीस्ट 1 महीने 15 दिन या 1.5 महीने के आसपास समय हो चुका है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए, अगर बात करें, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि नवंबर के पहले 15 दिन में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पर एक चीज अच्छी ये हुई है कि दो जो अभी एग्जाम थोड़े दिन पहले कंडक्ट हुआ था उनका पीजीटी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो शायद ये इस चक्कर में उन्होंने रोक के रखा हो कि जो पहले की वैकेंसी है उसे हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद आपकी वैकेंसी जो बाद में आई है, तो जानते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दूसरा होता है, प्रमोशन वाइज या सारी सीनियरिटी वाइज जो होता है, इस चक्कर में हो सकता है आपका रिजल्ट रोक लें। पर हाँ, वो भी फाइनल हो गया, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा। तो एक तो एलडीसी वाले, सबसे जरूरी काम तो एलडीसी वालों के लिए, क्योंकि एलडीसी वालों को आपको पता होगा टाइपिंग भी होनी है। तो अगर आपने कर रहे हैं टाइपिंग, थोड़ी बहुत आपने टाइपिंग कर रखी है तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल भी आप शुरू से स्टार्ट करना है आपको, तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने लेट की तो हो सकता है बाद में आपको टाइपिंग में दिक्कत हो। क्योंकि उनका यह है कि अगर हो सकता है आ जाए और फिर बोल दें कि 4 दिन बाद से आप, 7 दिन बाद या 10 दिन बाद आपकी टाइपिंग शुरू होने वाली है। तो आप लोग वेट मत करिए, टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। टाइपिंग ज़्यादा नहीं थी, अप्रॉक्स 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगी है उन्होंने, तो ज़्यादा नहीं होती। अगर आप लोग करेंगे तो 10-15-20 दिन में आपकी हो जाएगी। तो अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किए तो आप स्टार्ट कर लीजिए। और रिजल्ट की बात रही तो रिजल्ट आपका नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में 100% आ जाएगा। और ये हो गया, उस सबसे पहले जो रिजल्ट का जो मेरे हिसाब से जो आएगा वो एलडीसी वालों का, क्योंकि एलडीसी का आगे प्रोग्रेस प्रोसेस ज़्यादा होना, अभी उनकी टाइपिंग भी होनी, डीवी भी होनी है, और जैसे कैटरिंग वालों का हो गया, स्टाफ नर्स का, उसमें तो सिर्फ डीवी कंडक्ट होना है, ज़्यादा नहीं होना है, और जिनका इंटरव्यू होना है, तो इन दोनों लोगों का शायद पहले हो जाए, क्योंकि और एलडीसी का एग्जाम भी सबसे पहले कंडक्ट हुआ था। तो ठीक है, इतना ही था कि आप वेट मत करिए, टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।